शहडोल जिले में इन दिनों गांजे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसका नतीजा सुहागपुर पुलिस और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से गांजे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। शहडोल जिले से होकर गुजर रही गांजे की खेप को सुहागपुर पुलिस व यातायात की संयुक्त टीम पकड़कर कार्रवाई की है, जिसमें 3.5 लाख का गांजा सहित 4 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सुहागपुर पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि अनूपपुर जिले से काले रंग की फोर्ड कार में गांजा शहडोल होते हुए रीवा जा रहा है, जिस पर यातायात व पुलिस ने बाणगंगा तिराहे के पास नाकाबंदी कर गांजा लोड कर जा रहे वाहन की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान बाहर में काफी रंग के 22 पैकेटों में कुल 22 किलो 660 ग्राम गांजा पाया गया। गाड़ी में मौजूद उपस्थित व्यक्तियों से पुलिस द्वारा नाम पूछताछ पर अपना नाम राजकुमार राम प्रसाद, जो कि रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि रीवा के रहने वाले सतीश साकेत द्वारा गांजा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से खरीद कर लाने हेतु उक्त वाहन उपलब्ध कराया गया था एवं गांजा खरीदी के लिए रुपये भी एडवांस में दिए गए थे। काम पूरा होने पर 10-10 हज़ार देने के लिए बोला गया था दोनों को। वहीं पुलिस ने जिस पर पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आदर्श न्यूज शहडोल से जिला ब्यूरो चीफ सतीश कुमार नामदेव की रिपोर्ट। कल सुहागपुर थाने को और यातायात थाने को जिला शहडोल में अच्छी कामयाबी प्राप्त हुई है। इनको सूचना मिली थी बाणगंगा तिराहे पर ये लोग वाहन चेकिंग कर रहे थे और इनको जब सूचना मिली कि किसी काले रंग की कार में जो है फोर्ड कार में गांजा परिवहन किया जा रहा है, तो इन लोगों ने अपनी सघन चेकिंग करी। इस दौरान फोर्ड कार MH02JP0219 को इन लोगों ने चेक। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।